नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। करसरा गांव के ग्रामवासियों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की विषय वस्तु का आशय यह है कि शिव कुमार मिश्रा उर्फ बबलू ने सैकड़ों वर्षों से आवागमन का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। ग्रामवासियों ने अपनी ग्राम पंचायत करसरा में आवेदन दिया और सिंहपुर थाना और तहसीलदार कोठी को भी आवेदन दिया, लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया गया। थक हार कर अपनी आखिरी उम्मीद जिला कलेक्टर माननीय अनुराग वर्मा से लगाकर आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भूखे प्यासे बैठकर कलेक्टर साहब से मिलने की प्रतीक्षा में रुके थे। अंततः कलेक्टर साहब से उनकी भेंट हुई और वह लोग ज्ञापन के साथ ही अपनी व्यथा कथा मौखिक रूप से उन्हें बतलाया और उनसे यह अनुरोध किया कि कोठी तहसीलदार को वह आदेशित करेंगे ग्राम का आम रास्ता शिव कुमार मिश्रा उर्फ बबलू से मुक्त कराकर ग्रामवासियों को राहत प्रदान करवाएंगे, क्योंकि ग्रामवासियों के लिए यह अवरुद्ध आम रास्ता विकराल रूप ले चुका है। गांव की महिलाएं कहीं आ जा नहीं पा रही और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। यहां तक कि गाय भैंस इत्यादि जानवर घर में बांध कर रखना पड़ रहा है, जो कि एक बड़ी मुसीबत का सबब बन रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? राम कृपाल कुशवाहा, पिता लगुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं करसरा पंचायत से आया हूँ, करसरा ग्राम से। क्या समस्या है आपकी? मेरे रास्ता में बारी लगी है और फूल नहीं रहा। कौन बारी लगाया है आपके आम रास्ते में? शिव कुमार मिश्रा और बबलू मिश्रा। शिव कुमार मिश्रा और बबलू जी, क्यों बारी लगा रखा है उसने? उसने चुनाव में पंची में खड़ा था तो हार गया, तो इसलिए हमारी रास्ता रोक। आपका कहने का आशय यह है कि चुनावी रंजिश की वजह से उसने आम रास्ता ग्रामवासियों को बंद कर रखा है? बंद कर रखा है। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, आप इनके करसरा ग्रामवासियों की समस्या के बारे में क्या जानते हैं? हाँ जानते हैं, ये हमेशा मतलब जब से हम आज 50 वर्ष के हैं, जब से शुद्ध संभाले तब से पूरी रास्ता खुली थी, वहाँ कोई वैध नहीं था और आज प्रेजेंट टाइम में बारी लगा दिया है, कहने पर गाली गलौज करता है। आपके परिवार से जनप्रतिनिधित्व करती हैं आपकी बहू वार्ड नंबर 2 से जनपद सदस्य हैं जी? जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य? हाँ जिला ये जनपद सदस्य सोहावल ब्लॉक से वार्ड क्रमांक 2 से हैं, सिमरन शुक्ला नाम है उसका जी। जी आप बताएं। जगदीश प्रसाद कुशवाहा। आप कहाँ से आए? करसरा से। अच्छा, आप सारे लोग करसरा से आए हैं जी? क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर हमारी रास्ता रुकी हुई है। किसने रोक रखा है रास्ता? बबलू मिश्रा है। किस वजह से उसने रास्ता रोक रखा है? पंची में खड़ा था तो पंची में उसको वोट नहीं मिली तो बोलता है मुझे रास्ते नहीं देना, जबकि हमारा ये रास्ता जो है 3 पुश्त से हो गई, परपाजों के ज़माने से, बाबों के ज़माने से, पिताजी के ज़माने से, अब हम लोगों का आ गया, हमारी औलाद का आ गया, जो 4-5 पीढ़ियों से हमारी रास्ता वही थी। आज यदि मौका मारने पर देखा जाएगा तो 25-30 फुट की रास्ता आज भी हमारे घर तक अलाउ है, लेकिन मेन जगह पर बारी लगा दी गई है। मौका मायने देखने पर अधिकारियों को ये महसूस हो जाएगा कि हाँ ये हकीकत रास्ता आज भी है और पहले भी थी। अच्छा, आपका कहने का आशय ये है जी कि सैकड़ों वर्ष से वो आम रास्ता था जी, और पंची ऊपर था सर, और पंची के चुनाव में हार जाने की वजह से वो आप लोगों से रंजिश रखता है। उसका कहना यह है कि आप लोगों ने उसे वोट नहीं दिया जी, इस वजह से उसने रास्ता अवरुद्ध कर दिया जी। आप बोलिए, कहाँ से आई हैं आप?